सो हेलो लो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, फाइनली आज की न्यू वीडियो आ चुकी है। एंड आज की न्यू वीडियो में गाइज, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे भाई न्यू वीडियो आने वाली है रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। सो गाइज, जिस भाई को भी रैंक पुश के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना है, एंड गाइज जिस तरीके से मैं पुश करता हूँ उस तरीके से आप लोगों को वीडियो जाननी है। सो गाइज, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि गाइज एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकता, पूरा बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट से ऊपर का। सो गाइज, दो तीन भाग में बताऊँगा आपको, मैं कल डालूंगा दूसरा भाग एंड परसों तीसरा पार्ट डाल दूंगा आपको ना। सो गाइज, सबसे पहले नॉर्मली आज के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, आज के बारे में आपको नॉर्मली बता दिया जाएगा कैरेक्टर्स एंड पेट एबिलिटी के बारे में ना। अब जो गाइज ज़्यादा होशियार बनते हैं तो वो लोग तो यार क्या बताएं उनको, बट जो भाइयों को सच में रियल में जानना है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से टाइम पर अच्छे काम आता है एंड कौन सा पेट वगैरह, सब कुछ के बारे में आज डिटेल से बता दिया जाएगा ना। सो गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर तक अभी तक जिसने लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वेल नोटिफिकेशन का जरूर ऑन कर देना ताकि मेरी जैसी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए ना, कोई भी पार्ट मिस मत करना गाइज। एंड आज ऐसा नहीं, आज का देख लिया कल नहीं देखोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं आएगा। एंड गाइज, मेरा दावा है फाइनली आप लोग नॉर्मल, हाँ ये जो किल भी आराम से करके अच्छा सब कुछ रख के नॉर्मल और अच्छा से अच्छा आप आराम से 10-15 हज़ार स्कोर, नॉर्मल से नॉर्मल खेल के भी 10-15 हज़ार स्कोर प्लस पहुँच सकता है हर बंदा। मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल 15 या 20 हज़ार स्कोर तो पहुँचा सकता है एंड तक। जो ज़्यादातर गेम को टाइम देता है ना, कम से कम 10 घंटे 8 घंटे टाइम को जो भी गेम को टाइम देता है, वो बंदा 20 हज़ार प्लस गेम पहुंचा सकता है आराम से, 20 हज़ार प्लस स्कोर पहुंचा सकता है आराम से। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम कैरेक्टर स्किल की। तो गाइस, कैरेक्टर स्किल में नॉर्मली आप देख सकते हो, सबसे पहले गाइस आप खुद को पता होगा गाइस है ना आपको नॉर्मल, तो सबसे पहले अपना नॉर्मल रैंक में काम आता है के कैरेक्टर, ये गाइस है ना। तो गाइस, एक एबिलिटी तो देखो नॉर्मल मैंने लगा रखी है, एक एबिलिटी अपने जोन वाले डैमेज के ना, तो ये भी एकदम नॉर्मल है, आप जोन में रख सकते हैं, इस चीज़ से इससे फ़ायदा होता है और भी चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा भी अगर आप चेंज करना चाहो, अगर आपको जोन में ज़्यादा नहीं रहना है तो उसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आपके ऊपर डिमांड करता है, बट जोन में ज़्यादातर अपन को रहना पड़ता है गाइस सर्वाइव के लिए, और इसलिए एक जोन एबिलिटी जरूरी है ना। एंड गाइस, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दूसरे गाइस हमारे रेसर ब्लिंड है ना, जो ब्लेसिंग है रेसर ब्लेसिंग जो भी है, तो गाइज ये आप देख सकते हो नटोरा है गाइज, नॉर्मल इसका नाम कुछ भी हो बट जो भी है, बट नटोरा नाम है इसका, और ये कैरेक्टर आप इधर देख सकते हो गाइज नटोरा। Go faster, go home. So guys, इसकी एबिलिटी क्या है ना कि आपको है ना हर दो सेकंड में आपको 5 HP देता है गाड़ी में ना, तो मतलब आप लगा सकते हो कि आपकी HP 5 HP मिलेगी आपको 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में 5 HP जाती भी नहीं है पहले दूसरे तीसरे जोन तक, तो ना 1 सेकंड 2 3 4 सेकंड लग जाता है ना। और तीसरी बात करते हैं गाइज, तीसरी नॉर्मल अपना एक तो गाइज हो गया देखो अपना ये फोर्ड कैरेक्टर जोन एबिलिटी के लिए, दूसरा गाइज अपनी एंड तीसरा गाइज अपना के कैरेक्टर, मतलब तीनों को एक जगह मिलाया मैक्सिम में तो तीनों कैरेक्टर हो गया के। तो गाइज के का आप लोगों को पता है कि के नॉर्मली आप उनको देता है मतलब 250 EP देता है गाइज, 250 EP है ना, और नॉर्मली ये नहीं है कि रुक जाएगा ये, पहले थोड़ा के का अलग था, के को बहुत बढ़िया कर दिया आजकल तो बहुत अच्छा फ़ायदा बोला उससे। और तो गाइज ये कैरेक्टर तो आप समझ ही गए नॉर्मली ना, इनको यूज़ कैसे करना गाइज वो भी सब कुछ बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कैरेक्टर वैरेक्टर बताऊँ, आज कैरेक्टर के बारे में बताना आप लोगों को ना। एंड गाइज दूसरी बात पर चलते हैं अपन पेट पर, क्योंकि पेट भी गाइज बहुत ज़रूरी है। तो गाइज सबसे पहले नॉर्मली एक मेन पॉइंट होना चाहिए कि स्क्वाड में एक ना एक बंदे के पास फाल्कोन होना चाहिए, फाल्कोन से अच्छी लैंडिंग होती है तभी जाके अच्छा फ़ायदा हो पाता है, वरना हवा में ही मारे जाओगे कोई मतलब ही नहीं होगा ना। सो गाइज नॉर्मली सबसे पहले अपन पेट की बात करते हैं, तो गाइज ज़्यादातर ये पेट जिसके पास नहीं है गाइज ले लेना, अरे क्या क्या हो रहा है, ये वाला पेट गाइज है ना सबसे यही है गाइज, पेट का पता नहीं है मेरे को, कन्फर्म एबिलिटी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है इधर उधर एक्सचेंज के चक्कर में, बट गाइज एबिलिटी ये देख लो आप गाइज, ये है ना डबल ब्लवर जो भी है कि अगर ट्रीटमेंट पिस्टन एंड मेडिकेट पिस्टल होती है, मेडिकेट हो गई अपनी रिकवर जो भी है ना HP वगैरह, तो गाइज ये 65% HP आपको रिकवर कर देती है नॉर्मल, जैसे ही आप मेडिकेट लगाओगे तो आपकी हेल्थ है ना गाइज नॉर्मली जैसे 50, 60, 70 जितनी भी आती है उसकी जगह गाइज 90+ आपको HP मिलेगी, एंड आप जब भी किसी को हील करोगे तो आपको रिकवर वो मिलेगी, मतलब जोन में भी आप गाइज अगर मेडिकेट लगा रहे हो ना, के कैरेक्टर हुआ गाइज एक तो नॉर्मली के कैरेक्टर हो गया ऊपर से, और ऊपर से आपको के कैरेक्टर पे EP जरूरी है आपको पता है, के को ऑन करके छोड़ दो आप जैसे ही मेडिकेट लगाओगे आपको 65% EP मिल जाएगी, 65 EP मिल जाएगी ऊपर की, तो जैसे एक मेडिकेट लगाओगे 65 EP एंड जो 70 90
एचपी होती है वो मिल जाती है ना, तो वो ऐसे समझाने से समझ में नहीं आएगी, बट कल की वीडियो में मैं आपको डिटेल से करके दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को, है ना। तो आज के तो कैरेक्टर की बात हो गई, एक ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती है यार, नॉर्मल समझ में भी नहीं आए तो जल्दी जल्दी बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज आज की कैरेक्टर वीडियो हो चुकी है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। गाइज कल हम करके दिखाने वाले पूरा गेम का रिव्यू, एकदम से करके दिखाने वाले गेम में, प्लस एंड तक लास्ट जोन तक एकदम नॉर्मल, है ना। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों अभी तो जो जलने वाले थे वो तो बंद करो, जलने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों, आराम से मजे करो। और आज थोड़ा तबीयत ख़राब थी उस वजह से गला ख़राब है, तो वॉइस में अगर दिक्कत आई हो तो उसके लिए सॉरी गाइज, एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, है ना।